अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जुमे का दिन है। अभी बाइक को कपड़ा शपड़ा लगा दिया है और सामान उसमें रख दिया है। अभी जा रहा हूँ जुमा पढ़ने के लिए, और आज एक ज़रूरी काम है, बाइक की पासिंग करवानी है। जुमा पढ़ के निकलूँगा बाइक की पासिंग करवाने के लिए। तो अभी 12:30 बजे हैं, जुमे में अभी टाइम है। यहाँ पे मस्जिद में 1 घंटा पहले पहुँचना पड़ता है, वरना जगह नहीं मिलती। गाड़ी आ गई पीछे से। तो अभी जाकर जुमा पढ़ते हैं, जुमे के बाद फिर चलते हैं। अजान भी होगी शुरू, वो रही मस्जिद। तो मैं जुमे के बाद पासिंग के लिए निकला था, तो मुझे भूख जो बहुत ज़्यादा लग रही थी। 2 बजे का टाइम है, तो मैंने सोचा चलो बिरयानी लेता जाऊँ। और बिरयानी लेने आया तो उसका हाल कुछ यूँ था। क्योंकि परदेश का जुमा हो और बिरयानी ना हो तो मज़ा नहीं आता। गैराज पे तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ पे इनकी अभी ब्रेक चल रही है, सब लोग गायब हैं। अभी 1-1.5 घंटा और वेट करना पड़ेगा, टाइम ज़ाया, उसके बाद फिर जाएंगे। तो अभी वहाँ पे ब्रेक चल रही थी, तो मैंने आके यहाँ पे बिरयानी ले ली है, और साथ साथ इन्होंने जूस थोड़ा भी बना के रखा हुआ था, उसकी भी बोतल फिल कर ली है। अभी जाके बिरयानी खाते हैं जब तक उनकी भी ब्रेक ख़त्म हो जाएगी। तो इस वक्त बाइक का बॉक्स भी चेंज हो गया है और वॉशिंग भी हो गई है, तो अभी जा रहा हूँ मैं पासिंग के लिए इसको लेकर। इस वक्त बाइक पासिंग के लिए मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ पे एक लंबी सी लाइन लगी हुई है। अभी धूप में खड़े हैं भाई, जब बारी आएगी तो फिर जाएंगे। हाँ गर्मी, तो गर्मी में हालत बहुत बुरी हो गई है। अभी यहाँ पे बाइक का नंबर यहाँ पे आएगा। अभी एक एक की टेस्टिंग हो रही है, अभी अंदर जाकर बैठते हैं वहाँ पे, ये मुझे बुला लेंगे। हमारी जी इस वक्त बाइक पासिंग हो गई है। बाइक पासिंग का मतलब ये होता है कि उसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है ना, जो बाइक की मुल्किया जिसे बोलते हैं, वो जब एक्सपायर हो जाता है तो उसको बाइक पासिंग के लिए लेके आना पड़ता है, जिसकी 170 दिरहम फीस है। तो फीस अभी यहाँ पे कर दी है, बाइक वहाँ पर हमारी पासिंग हो गई है। पासिंग में ये करते हैं कि वो बाइक का मुआयना करते अच्छी तरह से कि ये रोड पे चलने के काबिल है कि नहीं है, इसके टायर वगैरह, इंजन वगैरह, हर चीज़ उसकी चेकिंग करते हैं। वो चेक करने के बाद उसको पास करते हैं, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हो जाती है। अभी मैंने अंदर फीस पे कर दी है और मेरी बाइक वहाँ पे रेडी हो गई है। मैं अभी जा रहा हूँ बाइक लेके, फिर जाऊँगा दोबारा से इसका बॉक्स चेंज करवाऊँगा, अपना क्रीम वाला बॉक्स लगवाऊँगा, और फिर मैं निकल जाऊँगा सीधा वापस। अभी देखते हैं रूम पर जाना है या फिर ड्यूटी स्टार्ट करनी है। तो बाइक पासिंग करा के मैं आ गया था, तो वहाँ से आने के बाद मैंने 2-3 ऑर्डर्स किए हैं। अभी मुझे आ गया बुर्ज खलीफा का ऑर्डर, जो कि मेरा लास्ट ऑर्डर है। ये देकर मैं जाऊँगा रूम पे, आपको आज अंदर से दिखाता हूँ बुर्ज खलीफा। बाहर से सबने देखा हुआ, अंदर से भी दिखाता हूँ। तो ये ऑर्डर तो कर दिया डिलीवर। यह है बुर्ज खलीफा का अंदर का व्यू, इस तरह से है बुर्ज खलीफा। मैं यहाँ से आया हूँ सर्विस डोर से। ये सब अपार्टमेंट है यहाँ पे। ये गेस्ट लिफ्ट है, लेकिन हमें अलाउ नहीं है, हम सर्विस लिफ्ट से आते हैं। यहाँ पे ये आ गई इसकी सर्विस लिफ्ट। अभी सर्विस लिफ्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा, है तो फास्ट अभी आ जाएगी। तो उस वक्त बुर्ज खलीफा में ऑर्डर दे दिया था। ऑर्डर देने के बाद मैं रूम की तरफ जा रहा था, तो मुझे एक और ऑर्डर लग गया, तो वो ऑर्डर उठा के भी यहाँ पे डिलीवर कर दिया। ये इस वक्त मैं खड़ा हूँ बर दुबई में, तो यहाँ से भी रूम पे जाऊँगा। मैंने पहले जुराबे लेने के लिए मार्केट में जाना था, लेकिन मार्केट अभी बंद हो गई होगी, 11:49 हो गए हैं। तो अभी मैं रूम में जाऊँगा,
और इस वीडियो को अपलोड करूँगा। रास्ते से खाना भी लूँगा, खाना खाकर फिर इस वीडियो को अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करता।